हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? पिछले सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिवीजन के रूप में एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़े थे। आज उसी के क्रम में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10 और इसका थर्ड क्वेश्चन आपका है अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सवाल कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? द्विघात सूत्र का प्रयोग। तो द्विघात सूत्र के बारे में हमने शुरू में बता दिया था, चूंकि रिवीजन चल रहा था, एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, कुल का टू ए। तो ये हमारा फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर लेंगे तो हमको देखिए ए की वैल्यू अंडर रूट टू मिलेगी, ए बराबर अंडर रूट टू, बी की वैल्यू सेवन है, आप देख रहे हैं एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सेवन है, और सी तो फ्रेश है, सी बराबर प्लस के इधर जितना है सब सी है, यानी फाइव अंडर रूट टू। अब मैं सूत्र लिख दूंगा, फिर द्राचार्य का सूत्र भी इसको कहते हैं। सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू इंटू ए। तो एक्स की वैल्यू मिल गई हमको, मान भर दिया जाए, माइनस बी, बी का मान सेवन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए का मान अंडर रूट टू, सी का मान फाइव अंडर रूट टू अपॉन टू अंडर टू ए, ए का मान अंडर रूट टू। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट सात का वर्ग 49, आपको पता है अंडर रूट टू में अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू होगा, चार पंजे बीस, बीस गुना 40, तो 40 हो गया, और नीचे टू अंडर रूट टू। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई माइनस सेवन प्लस माइनस काड़ी में 49 में 40 घटाएंगे 9 आएगा, और नीचे टू अंडर रूट टू। इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो एक्स की वैल्यू माइनस सेवन प्लस माइनस ये तीन बन जाएगा, आप भी समझ रहे होंगे 9 का वर्गमूल 3 होता है, नीचे टू अंडर रूट टू। तो इसको एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं और इधर लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और इधर लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, बारी बारी ले करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब प्लस साइन लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस सेवन प्लस ए, बीच का साइन, इसको इसको ना सोचिएगा, ये तो हम दोनों साथ लेंगे, ये बीच की वैल्यू, तो प्लस लेंगे यहाँ थ्री अपॉन टू अंडर टू। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर होगा, नीचे टू अंडर टू, टू से फोर को कैंसिल कर देंगे दो बार में, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू अपॉन अंडर टू, एक आंसर हमको ये मिल गया। दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू का मैं इसका माइनस वाला लूँगा, तो माइनस बीच में माइनस थ्री अपॉन टू अंडर टू, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस टेन ऊपर हो जाएगा, नीचे टू अंडर टू, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दो से दो पंजे दस माइनस फाइव अपॉन अंडर टू। थोड़ा सा आंसर को अगर स्लाइस कर दिया जाए, काड़ी दो से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि नीचे काड़ी में उत्तर सही नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है,
तो इसको ऐसे लिख दिया जाए आंसर, और थोड़ा सा इसको भी रेशनलाइज कर दिया जाए, तो ये 2/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2√2, नीचे 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यस की वैल्यू −time√2, ये हमारा शुद्ध आंसर है। ये बहुत शुद्ध आंसर इसको नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे काढ़ी आई है, नीचे काढ़ी नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग गायब कर लेते हैं और ऊपर जो है काढ़ी दिखा देते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, x के लिए हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए। सवाल है 12ab x square −9a² - 8b² - 9a² - 8b² कोष्टक के बाहर x −6ab = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, x के लिए हल कीजिए। x के लिए हम लोग x के लिए हल करते हैं, वो लिखा है x के लिए हल करिए या न लिखे, हम x की ही वैल्यू निकालते हैं, तो जो वैल्यू निकालते हैं वही हल होता है। चलिए तो इसमें क्या कर दिया जाए, यहाँ आप देख रहे हैं कि बीच वाले पद में ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि अगर इस राशि का गुणा और इस अंतिम वाले का, मैं बता भी चुका हूँ इस चीज़ को, अगर इसका इसका गुणा करने पर देखिए 12×72 ab² b² आएगा, आइन दोनों का मल्टीप्लाई करिए देखिए वही चीज़ आ रहा है 9×72² b², तो आप देख रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमको मेहनत करना भी नहीं है, सारा मेहनत किया हुआ है, हमको मेहनत से करना ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी तोड़ा भी गया, सीधे सीधे हम गुणा कर लेंगे या स्थानांतर गुणा करेंगे और काम लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, आधा काम समझिए हो चुका है। तो यहाँ x को मैं अंदर ले आऊँगा, तो 9a² x - 8b² x और −6ab, अभी मैं कोष्टक नहीं तोड़ा हूँ, अभी कोष्टक देखिए लगा हुआ है, अगले स्टेप में कोष्टक तोड़ दिया है, तो कोष्टक तोड़ने, जब भी हम किसी कोष्टक को तोड़ते हैं तो उसके पहले चिन्ह देखते हैं, अगर प्लस है तब तो आँख मूंद के तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो सावधान हो जाइए। क्या सावधान होंगे कि अंदर के चिन्हों को बदलना है, 9 के पहले देखिए यहाँ प्लस है, कोष्टक में प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो गया, आया 8 से पहले माइनस है तो प्लस हो गया, तो माइनस क्या करता है, चिन्हों को बदलता है, इसीलिए सावधान रहना आपको, बाकी ये बाहर वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल कोष्टक के अंदर की चिन्ह बदलती है, देखिए माइनस था जैसे था वैसे है, चूंकि वो कोष्टक से बाहर है उसका चिन्ह बदलेगा। इसके बाद दो दो को एक साथ देख कामा लेते हैं, तो आप देखा है यहाँ 3 से भी कटेगा, तो 3 अंक हमारा दोनों में कामन है, ए से ये यहाँ भी है ये यहाँ भी है तो ये कामन है। अब कौन सा घात दिया जाए, एक घात है या दो घात है, तो नियम कहता है छोटा वाला, यहाँ 1 या 2, तो नियम कहता है 1 वाला लीजिए, यहाँ x पर 2 है x पर 1 है तो कौन सा लेंगे, x पर 1 x पर 2 कम वाला यानी x। अब वो कामन निकाले, 3 × 4 = 12, 4 आ गया क्योंकि 4 बार में कट गया, ये तो खत्म हो गया, b बचेगा, आई एक्स पर यहाँ 2 है 1 निकाले तो 1 बचेगा, फिर यहाँ आते हैं 3 का भाग 9 में, तो 3 × 9 होता है, ये 2 यहाँ है 1 पर 1 पावर निकाले हैं तो 1 ये बचेगा, आई एक्स तो पूरा निकल गया क्योंकि x पर 1 था 1 निकाल लिए, अब ये मिला। अब उसके बाद यहाँ बिना सोचे समझे, मैं आपको कम से कम कई बार बताया हूँ कि बिना सोचे समझे जो यहाँ दिखता है वही लिख दीजिए, उसके बाद सोचिए क्या कामन होगा, क्योंकि उसके बाद सोचने में आसानी रहती है, तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद सोचेंगे। तो देखिए यहाँ 4 है 8 है तो जो 2 जरूर कामन होगा, क्योंकि 2 × 8, अच्छा बी पर यहाँ 1 ही आया है, यहाँ 2 है तो बी जरूर निकालेंगे, दिख भी रहा है, देखिए 8 से 2 से भी कटेगा, 2 कामन हो गया, बी यहाँ भी है, बी पर 2, बी पर 1, तो छोटा वाला कामन लेंगे, बाकी अब कुछ कामन नहीं होगा, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि एक्स यहाँ है एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स कामन नहीं होगा। अब जरा देख लिया जाए कि जो भी हम कामन लिए इसका इसमें गुणा करके देखिए चीज़ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो सही है, तो 2 × 8 मिलेगा, बी में बी का गुणा 2² मिलेगा, एक सफेदा ठीक है, इसका इसमें भी गुणा करके चेक कर लीजिए, 2 × 3 = 6 भी सही है। चिन्ह कौन सा लेना है तो हमने बताया था, जो दिखा वही लिख दीजिए,
जो दिखता है वही लिख देते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, क्या दिख रहा है प्लस तो लिख देंगे प्लस। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि कोष्टक की राशि को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कोष्टक की राशि सेम है तो कोष्टक की राशि कॉमन हो जाएगी, कोष्टक के साथ पूरा कोष्टक ही कॉमन है। तो बचा कितना था कोष्टक से पहले, 3x है तो 3x लिख देंगे, यहाँ कोष्टक से पहले प्लस 2 भी है तो प्लस 2 भी लिख देंगे। जब दो कोष्टक गुणे के रूप में आया था, बीच में गुणा है, तब हम लाइन खींच देते हैं और इधर लिखते हैं वेन, वेन पहला कोष्टक 4bx-3a=0, और इधर क्या लिखेंगे वेन दूसरा कोष्टक 3ax+2b=0। तो यहाँ से 4bx=3a हो गया, क्योंकि ये माइनस राइट साइड चला गया, प्लस हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को फ्री कर देंगे, तो x के चीज जो चीज़ नीचे चली जाएगी जो भी x के साथ है। यहाँ भी देखिए पहले 3ax को बाएं रखेंगे, 2b को ले आएंगे तो -2b बनेगा, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस। अब फिर x को फ्री करना है तो x को फ्री करना है तो -2b ऊपर और ये x के साथ जो है वो नीचे, तो ये हमारे दो आंसर मिले। तो हम लिख देंगे हर समुच्चय, जो लिखने का तरीका है ऐसे हम लोग लिखते हैं, हर समुच्चय बराबर मझले कोष्टक में 3a/4b-2b/3a। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सवाल आपका है x के लिए हल कीजिए, 14वां नंबर सवाल कह रहा है x के लिए हल कीजिए। x के लिए हल कीजिए 4x² - 4a² + 4x² + a/4 - b/4 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, x² + bx + c = 0 से तुलना करने का। तो तुलना कर लिया जाए, अब मैं बड़े लेटर से इसलिए तुलना कर रहा हूँ क्योंकि सवाल में छोटा लेटर आया हुआ है, तो जब भी छोटा लेटर आता है तो आप बड़े लेटर से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई, x² का गुणांक 4 है तो ये का मान 4 हो गया, x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक है। चिन्ह के साथ देते हैं, ध्यान दीजिएगा हमेशा चिन्ह के साथ कोई भी गुणांक लेते हैं। तो x छोड़ करके -4a² है, तो x छोड़ करके यहाँ b है तो b की वैल्यू -4a² और प्लस के इधर कितना होता है सब c है, तो देखिए ये कंप्लीट c हो जाएगा, यानी कैपिटल c की वैल्यू होगी a/4 - b/4। अब आइए हमारा जो तरीका सॉल्व करने का सिद्धराचार नियम से, हम लोग फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला बड़े लेटर में लिखेंगे, चूँकि हम तुलना बड़े लेटर से किए हैं तो फार्मूला हम सब बड़े लेटर में लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है -b+(-b²-4ac/2a। तो यहाँ से b के स्थान पर मैं भर दे रहा हूँ -4a², कोई भी वैल्यू चिन्ह के साथ भरी जाती है, प्लस माइनस b के स्थान पर -4a² और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b पर स्क्वायर है, -4a के स्थान पर 4 लिख दिया जाएगा, c के स्थान पर लिखेंगे a/4 - b/4। तो ये हो गया हमारा नीचे 2a का मतलब 4, 2 × 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिलेगी, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अभी मैं बताया हूँ कि जब किसी कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर, अंदर माइनस है तो भी इसको प्लस बना देगा, 4a² + -, यहाँ माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और ए स्क्वायर करेंगे तो पर 4 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ 3 आइटम है, माइनस अकेला आइटम है, दूसरा आइटम 4 है, तीसरा आइटम है स्क्वायर है, माइनस का जब वर्ग करेंगे तो प्लस हुआ, 4 का वर्ग किए तो 16 हुआ, ए स्क्वायर का वर्ग किए तो a/4 हो गया, माइनस 4 में 4 का गुणा 16 और 16 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 16 का गुणा जब a/4 में करेंगे तो 16 a/4, फिर 16 का गुणा b/4 में तो 16 b/4, लेकिन
एक चीज ध्यान देना, ये माइनस है और माइनस के साथ जब भी किसी ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो अंदर के साइन चेंज होता है। देखिए ये वाला तो प्लस था तो माइनस हो गया, बी वाला माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि उल्टा होता है, जो पॉजिटिव वो निगेटिव, जो निगेटिव पॉजिटिव। देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो गया, नीचे 4 × 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4a² आपका हो गया प्लस माइनस काढ़ी में, 16b पर 4 है, नीचे 8 आया, तो x की वैल्यू हो गई 4a² प्लस माइनस। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 पावर का वर्गमूल 2 पावर होता है, जब वर्गमूल लेते हैं तो पावर आधा हो जाता है, और 16 का 4 आपको पता है, नीचे 8 है। अब देखिए 4 ऊपर से कामन ले लिया जाए, 4 ऊपर से मैं कामन ले लूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू अब आएगी, 4 ऊपर से कामन ले लिया जाए तो ऊपर a² प्लस माइनस b², नीचे 8 है, तो ये 4 × 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस माइनस b² / 2। यही मैं आंसर लिख दूंगा, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह अगर लेते भी हैं तो अच्छा रहे, जुड़ता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा रहे, तो जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, a² b² जुटेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, सेम अक्षर होता, दोनों a² होता तो फिर जोड़ते घटाते, तो यही मैं आंसर लिख दूंगा। इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। सवाल आपका है, एक्स के लिए हमको हल करना है, यही सवाल है, 9x² - 9xa + bx +2a² + 5ab + 2b² = 0। ये हमारा सवाल है, तो ये सवाल थोड़ा सा आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर लेंदी लग रहा है, लंबा सवाल लग रहा है, तो अगर हम इसको फैक्टर मेथड से लगाएंगे तो काफ़ी हमको सोचना पड़ेगा, हमारा समय नुकसान होगा, साथ ही साथ अगर पूर्ण वर्ग बनाया जाए तो उसमें भी कम मेहनत नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, समय यूज होगा। ऐसे सवालों में मेहनत और टाइम को बचाते हुए हम लोग सिद्धराचार सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो सिद्धराचार नियम में क्या करते हैं, पहले होता है कंपेरिजन, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। चलिए तो मैं तुलना कर लेता हूँ, तुलना करके हम लोग ABC का मान निकालते हैं, तो आइए ABC का मान निकाल रहे हैं, ए का मान x² का गुणांक है 9, ये का मान निकल गया, बी का मान होता है x का गुणांक, तो देखिए x छोड़ दिया जाए तो 9a + b है बी का मान, 9a + b, और सी क्या होता है सबसे अंतिम वाला, प्लस के इधर जितना सब सी, देखिए प्लस के बाद जो है वही सी है, तो प्लस के बाद जो है वही सी, यानी सी की वैल्यू भी क्लियर है, क्या है 2a² + 5ab + 2b². हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से जब मान हम लोग भरेंगे तो b की वैल्यू भी यहाँ निगेटिव आएगी, यहाँ निगेटिव साइन हमने छोड़ दिया है, चूँकि यहाँ b की वैल्यू भी निगेटिव है, तो मान जब यहाँ भरा जाएगा, मैं फिर से भर देता हूँ, तो माइनस और माइनस यहाँ 9ab लिखना है, इसको मैं मझले कोष्ठक में लिख देता हूँ 9a + b, और प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी माइनस टाइम 9a + b इसका वर्ग, और माइनस 4a के स्थान पर 9 और c के स्थान पर ये पूरी वैल्यू 2a² + 5ab + 2b² / 2 × a। एक काम कर लेते हैं, 2 × a को मैं यही ब्रैकेट बना के यही लिख देता हूँ, 2a हमको लिखना है तो मैं यहाँ 1/2a यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ 2×9 बनेगा, 2×9 = 18, तो इसकी वैल्यू 1/18 हो गई, ये माइनस इस माइनस को प्लस करके 9a + b हो जाएगा, प्लस हो गया, और प्लस माइनस ये होगा 81, ए धन बी का होल स्क्वायर खोल दिया जाए तो a² + b² + 2ab, और यहाँ से 4×9 को मैं 9 लिख के 4 को अंदर ले जा रहा हूँ, तो 4×8 है स्क्वायर, फिर 4×5 = 20ab, और 4×8 बी का स्क्वायर, 9 यहाँ से और 9 यहाँ से कामन ले लिया जाए तो ax की वैल्यू हो गई 1/18, अंदर हो गया 9 टाइम a + b
और यहाँ प्लस माइनस 9 को जब मैं कॉमन लूंगा तो बाहर 3 आएगा। देखिए यहाँ 9 या 9 9 निकालेंगे तो 9 नहीं बाहर आएगा, 9 का वर्गमूल बाहर आएगा चूंकि कर्णी में है। अब अंदर क्या बचा इसको देख लिया जाए, यहाँ 9 निकालने पर 9 बचा, 9 का ही में गुणा कर दिया तो 9 स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 18 ए बी माइनस, ये तो 9 गायब हो गया तो सिर्फ 8 है स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो सबका साइन निगेटिव हो जाएगा, बी से बी माइनस टाइम और माइनस टाइम 8 बी स्क्वायर, ये चीज़ मिला हमको। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 1/18 9 टाइम ए प्लस बी, 9 टाइम ए प्लस बी प्लस माइनस 3, और यहाँ ध्यान दीजिए 9 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर घटाएंगे तो 1 टाइम ए स्क्वायर, 9 बी स्क्वायर में से 8 बी स्क्वायर घटाएंगे 1 टाइम बी स्क्वायर, और 18 ए बी में से बी से भी घटेगा तो माइनस 2 ए बी। ये ब्रैकेट बंद कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/18, यहाँ से 9 और यहाँ से 3, मैं 3 कामा ले लेता हूँ बाहर तो यहाँ 3 बचेगा, 3 टाइम ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस के साथ कर्णी में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कर्णी और होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं फिर ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से 3 6 18 एक्स की वैल्यू 1/6 ब्रैकेट में, इसको मैं इसमें गुणा भी करता चल रहा हूँ, 3a + 3b और प्लस माइनस के साथ यहाँ a माइनस बी मिला, इसको कोष्टक ही डाल देते हैं क्योंकि एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन भी हमको लेना होगा। तो अब यहाँ लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लिया जाएगा तो एक्स की वैल्यू होगी 1/6 3a + 3b और प्लस लेंगे तो प्लस ए और माइनस बी, इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/6 3a + 3b। जब माइनस साइन लेंगे तो पहला माइनस हो जाएगा दूसरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा बी प्लस होगा, आप समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि माइनस क्या करता है अंदर के चिन्ह को बदल देता है, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, बी माइनस था बी प्लस हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1/6 3a में से के गया तो 2a और 3b एक भी मिलके 4b जुट जाएगा, ये दोनों जुटेगा और ये दोनों घटेगा। चलिए यहाँ से 3a एक 4a और 3b में से एक भी 2b ऐसे मिला हमको 1/6 टाइम एक्स की वैल्यू। एक लाइन और बढ़ा लिया जाए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/6 और यहाँ से मैं 2 कामन ले लेता हूँ, 2 कामन लेंगे तो यहाँ से 2a और यहाँ से केवल बी, और 2 से 3 बार में कट गया तो नीचे 3 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 2a + b/3। लाइन को आगे बढ़ाते चलेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/6 बार है, यहाँ 2 यहाँ भी काम लेंगे तो यहाँ ए बचेगा यहाँ 2b बचेगा, फिर इससे इसको काट देंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से मिला a + 2b/3, तो ए एक्स की 2 वैल्यू उनको मिली, दोनों हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, सवाल है x²-3x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-1x-2=7। तो ये थोड़ा सा कुछ सेटिंग का सवाल है, आईएएस की सेटिंग हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ 2 पावर है तो हम प्रयास ये करेंगे कि अगर यहाँ 2 पावर है तो इसी तरह की चीज़ यहाँ भी दिख जाए, क्यों ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप ध्यान दें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो आप सवालों को सोच सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ दिखता है वही यहाँ दिखता है, अंतर क्या है कि यहाँ 2 पावर होता है यहाँ 1 पावर होता है, तो आप देखिए जो चीज़ यहाँ दिख रहा है यहाँ देखिए 2 पावर के साथ है, तो यहाँ भी वही चीज़ दिखा दिया जाए 1 पावर के साथ, क्योंकि यहाँ 2 पावर के साथ यहाँ 1 पावर के साथ,
तो दो पावर दो दिख रहा है, एक और दिखा दिया जाए, तो थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे। मेहनत क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक का आपस में एक गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेटिंग सही हो जाएगी। देखिए एक लाइन में ही आपको सवाल समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ये है, इस पर स्क्वायर में लिख देता हूँ। यहाँ इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। इसका इसमें एक्स स्क्वायर मिला, इसका इसमें माइनस टू एक्स मिला, फिर इसका दोनों में हो गया। अब इससे करेंगे, इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स होगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस टू मिलेगा हमको। और सेवन को मैं इधर कर देता हूँ और उधर जीरो लिख देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तरीका है कि सब बाएं। एक लाइन और बढ़ा दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिला के माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये प्लस टू माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान दीजिए, काफ़ी हद तक हम लोग सवाल के करीब पहुँच गए, सेटिंग के करीब पहुँच गए। देखिए मिलाइए, मिलाने पर क्या मिला, जो चीज़ दो चीज़ तो यहाँ हमारा मिल रहा पूरी तरह से। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ तीन है यहाँ दो है, तो तीन और दो को कैसे सेटिंग करेंगे, मैं सेटिंग कर लेता हूँ। देखिए कैसे सेट कर किया जाए, उसको ज़बरदस्ती तीन बना दिया जाए दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स, इसको ज़बरदस्ती मैं तीन बना देता हूँ दो को, और यही बगल में ऋण एक लिख देता हूँ ताकि मान में कोई अंतर ना आए, आपको समझ में आ भी गया होगा। क्योंकि दो को दो का हमने रूप बदल दिया, मान नहीं बदला, हमने क्या किया सिर्फ रूप बदल दिया। दो है दो को मैं तीन माइनस एक लिख सकता हूँ, दो ही होगा। अब उसको लिखने से फायदा क्या होगा कि सेम साइड का हमारा सब कुछ दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूँ, तो यहाँ ये y का स्क्वायर बन गया। देखिए सवाल का हमारा रूप इतना हो गया, यानी आप देख रहे हैं कि हम लोग एकदम आसानी की तरफ आ गए। इस कंप्लीट को हमने y मान लिया, तो ये y पर दो पावर, फिर इसके स्थान पर हमने y भर दिया, तो y माइनस वन ये वाला माइनस वन, और माइनस सेवन है ये। अब ब्रैकेट को तोड़ दिया जाता है, माइनस वाई को माइनस करेगा, एक को प्लस करेगा, और सात पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि सात तो बाहर है। तो वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आकर के हमको मिला, इतना मेहनत के बाद छोटा सा सवाल मिल गया। अब इसका हम गुणा करने पर छः आना चाहिए, घटाने पर एक आना चाहिए, क्योंकि बीच में एक है, तो तीन गुना छः होता है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या मिलेगा डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे पाँच छः लाइन तो यही आएगा। आप जब करेंगे पाँच छः लाइन तो ये चीज़ मिलेगा, ये तो आप लोग कर लेंगे, मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप पाँच छः लाइन करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेन पहला कोष्टक इधर इज इक्वल टू जीरो, वेन दूसरा कोष्टक इस साइड में इज इक्वल टू जीरो, ये सब कहानी आपको पता है। तो यहाँ से y की वैल्यू तीन मिल गई और यहाँ से y की वैल्यू माइनस टू मिली। अब मैं y का मान पुट अप कर देता हूँ, किसको हमने y माना था, इसको माना था, तो y के स्थान पर हम लोग पुट अप कर देंगे, लिखेंगे इसलिए x का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये y का मान इज इक्वल टू थ्री। देखिए थ्री थ्री कैंसिल हो गया, क्यों उधर भी थ्री इधर भी थ्री, तो यहाँ से एक्स कामन लेना है तो एक्स माइनस तीन मिलेगा हमको। यहाँ भी वही कहानी है, वाई को भर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, उधर माइनस टू है तो सबको बाएं ला दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री और प्लस टू आएगा इधर, तो प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हमको पुनः दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इसको हम आगे लाइन आगे बढ़ती रहेगी, मैं यहाँ कर देता हूँ ये लाइन, ये वाला चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ दो खंड बन गए, एक्स एक एक्स माइनस थ्री, तो फिर एक लाइन हम लिखेंगे, कहेंगे एक बार एक्स बराबर जीरो, तो आंसर आ गया। एक बार लिखेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू तीन आ गई। चलिए तो यहाँ से हम दो उत्तर निकाल लिए, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू तीन। अब यहाँ आते हैं, ये अपने आप में खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा।
देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो गुणा करने पाँच आना चाहिए, जोड़ने पर तीन आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर मैं सिद्धराचार नियम को याद कर लेता हूँ, क्योंकि जब सब कहानी हमारी दिमाग फेल कर जाता है तो सिद्धराचार साहब को याद कर लेते हैं। तो सिद्धराचार साहब क्या कहते हैं, पहले ए बी सी का मान निकाले, ए का मान वन, बी का मान माइनस, तीन सी का मान पाँच, फिर सूत्र लगा दिया जाए। तो सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू। तो मान भर दिया जाए, यहाँ माइनस है, माइनस वैल्यू भी है तो प्लस थ्री हो जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, यहाँ माइनस तीन का स्क्वायर नौ बनेगा, माइनस चार ए सी तो बीस आएगा, क्योंकि चार ए का मान वन सी का मान पाँच, चार गुड़े गुड़े पाँच, चार पंजे बीस, बटा टू इंटू ए का मान वन यानी टू, तो यस की वैल्यू आएगी तीन, और यहाँ प्लस माइनस रहता है, तीन प्लस माइनस कड़ी में माइनस अलेवन अपान टू। देखिए ये अधिकल्पित राशि काल्पनिक राशि प्राप्त हुई, तो हम कह देंगे कि यहाँ से x का मान निकालना संभव नहीं है। जब भी कड़ी में निगेटिव आया था, हमने एक दिन और चर्चा किया था आप लोगों को, जब कड़ी में निगेटिव आता है तो इसको काल्पनिक राशि मानते हैं। और यहाँ लिख देते हैं कि x का वास्तविक मान यहाँ संभव नहीं है, लिखेंगे x का वास्तविक मान निकालना, वास्तविक मान ज्ञात करना करना संभव नहीं है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वही आया एक जीरो और एक थ्री, एक क्या मिला शून्य और एक मिल गया थ्री, यही आना चाहिए। हमारा सवाल है ये सवाल नंबर पाँच। तो सवाल नंबर पाँच में सारी वैल्यू चाई के साथ दे दिया है, कोई बात नहीं, जीरो थ्री और इसको भी इंक्लूड कर लिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। लेकिन ये वास्तविक मान नहीं है, इस तरह की चर्चा हम कहेंगे, मान तो हमको मिला ही लेकिन ये वास्तविक मान निकालना संभव नहीं है। किताब में चूंकि इसका आंसर लिखा है तो आप भी आंसर लिख दीजिए, ये लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो हमारे एक आंसर जीरो मिला, फिर थ्री मिला, ये वैल्यू मिली। इस वैल्यू को एक चीज़ चूँकि आंसर में वो चीज़ दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं। कड़ी में अगर कोई निगेटिव राशि आती है तो इसको एक लिखने का तरीका है, वो ग्यारह में बताया जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ चूँकि सवाल में वो लिख दिया है। तो माइनस अगर ये आया तो इसको माइनस वन इंटू ए लिख देते हैं, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब कड़ी में अलग अलग कड़ी हमने लिख दिया, क्योंकि अलग अलग दो कड़ी है तो कड़ी में लिख सकते हैं। और इस राशि को आई माना जाता है, क्या माना जाता है, आई माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कड़ी में निगेटिव है तो निगेटिव को हटा के आई लिख दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ से निगेटिव को हटा दूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कड़ी में ग्यारह रहेगा पहले आई लिख दीजिए। तो कड़ी में अगर कोई चीज़ निगेटिव आती है तो निगेटिव को गायब करके कड़ी से बाहर आई लिख देते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन, तो वो बाहर हो जाता है। अब चूंकि किताब में इस तरह से लिखा है इसलिए हमको बताना जरूरी था। इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।